मैं और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो कि आप हो, हम क्या करते थे, हम इनको याद करते रहते थे कि स्क्वेमस एपिथीलियम कहाँ पर होता है, क्यूबोइडल कहाँ पर होता है, कोलुमनार कहाँ पर होता है, बार बार इनको रटते रहते थे, बार बार इनको भूल जाते थे। तो मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ है ना, हुआ नहीं कुछ, मुझे क्या मिला यहाँ पे, एक लॉजिक मिला। अगर हम इनके क्या है फंक्शन याद कर लेते हैं, फंक्शन याद कर लेते हैं तो हमको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हम स्क्वेमस की बात करें तो स्क्वेमस का फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन अब इमेजिन करो अपनी बॉडी में कहां पर होती है ना, गैसेस की डिफ्यूजन होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अपनी बॉडी में डिफ्यूजन होती है। और कहां पर होती है, मान लो देखो ये अल्वियोलाई है, ये अल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल है ना, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैसे होगी है ना, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ऐसे होगी बॉडी में। तो डिफ्यूजन कहां पे हो रही है, एक तो कहां पे, अल्वियोलाई में हो रही है। तो अल्वियोलाई कहां, देखो ये क्या है, एयर सैक्स ऑफ लंग, मतलब ये अल्वियोलाई में अपनी है ना क्या है स्क्वेमस एपिथीलियम पाई जाएगी। और कहां पे हो रही है डिफ्यूजन, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की क्या है दीवार है, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल, मतलब जहां पे डिफ्यूजन हो रही है वहीं पे स्क्वेमस अपनी पाई जा रही है, कहानी खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम कोलुमनार पहले देख लेते हैं। कोलुमनार में का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन, और इसका भी फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन। बस आपको याद ये रखना है, बस आपको याद ये रखना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कोलुमनार आ जाएगी, और यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो क्यूबोइडल हो जाएगी। डाइजेस्टिव यानी देखो यहां पर क्या आ रहा है, स्टमक आ रहा है, इंटेस्टाइन आ रहा है, दोनों ही कहां होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। और मैंने यहां पे बोला यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो क्यूबोइडल आ जाएगी, यूरिनरी यानी देखो नेफ्रोन की बात हो रही है, बस आप ये ग्लैंड्स याद रख लेना, बाकी नेफ्रोन की बात हो रही है, यूरिनरी सिस्टम का हो गया। ख्याल से लॉजिक से सारी याद हो चुकी है, थैंक यू, धन्यवाद।